Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna tell you how silk is formed in silk gland of a silkworm. So firstly, ऐसी बहुत सारी species हैं silkworms की जो silk produce करती हैं. But here we're gonna talk about rhombix mori because ये बहुत common है India में जो commercially use होता है. And for your knowledge, it is a mulberry silkworm. So first we'll have a look on the caterpillar stage of this silkworm. ये caterpillar silk produce करता है to form cocoon and then it can convert into adult male or female. लेकिन हम उसको adult होने से पहले ही उस cocoon को use कर लेते हैं to obtain silk. Now ये जो caterpillar होता है उसकी thoracic cavity में एक gland होता है जिसे हम कहते हैं silk gland. If I talk about human beings तो जैसे हमारा salivary gland होता है जो saliva secrete करता है उसी तरह से बॉम्बिक्स मोरा जो सिल्क वर्म है उसका जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है इसलिए हम उसे सिल्क ग्लैंड कहते हैं. नाउ कैटरपिलर ऑफ बॉम्बिक्स मोरा लुक्स समवॉट लाइक दिस क्रीम इन कलर एंड उसका जो सिल्क ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस. इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है सिल्क फॉर्म होने की वो भी बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टीरियर रीजन की. ये जो पोस्टीरियर रीजन है वही सिल्क प्रोड्यूस करता है. इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजन. ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो जैसे ही सेक्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिब्रोइन और ये जो फिब्रोइन है वो स्टोर हो जाता है इनटू द मिडिल रीजन. जैसे कि डायग्राम में शो किया गया जो मिडिल रीजन है जो थिक पार्ट है वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है. एंड जब भी कैटरपिलर कोकून बनाने वाला होता है तो ये फिब्रोइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्रिन. सो तीन स्टेजेस हो गई. फिब्रिनोजन सेक्रेट हुआ देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रोइन एंड जो फिब्रोइन है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू ब्रिन और वहीं पे वो स्टोर रहता है जब तक कि कैटरपिलर सेल्फ प्रोड्यूस ना करे. नाउ जो मिडिल रीजन है उसमें भी कुछ सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जस्ट लाइक पोस्टीरियर रीजन जो एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं सेरेसिन. ये सेरेसिन क्या करता है जो फिब्रोइन में जो दो ब्रिन है एक्चुअली जो ब्रिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा कोर एकदम जो छोटी यूनिट होती है सिल्क थ्रेड की वो ब्रिन होती है. ब्रिन को कोट करता है सेरेसिन. कोट करके जब भी कोकून बनने वाला होता है तो इट गोज थ्रू एंटीरियर रीजन जहाँ पे बिल्कुल भी सेक्रेटरी सेल्स नहीं होते. इट्स जस्ट अ पाथवे. वहाँ से होते हुए ये स्पिनरेट के थ्रू रिलीज हो जाता है. एंड बिफोर दैट देयर इज अ ग्लैंड गिवन इन द डायग्राम विच इज लियोनिड्स ग्लैंड. लियोनिड्स ग्लैंड हेल्प करता है लुब्रिकेशन के लिए जिससे कि सिल्क ईजिली स्पिनरेट के थ्रू पास हो पाए. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे जो जैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है. एंड बेसिकली सिल्क फाइबर इज़ अ प्रोटीन एंड वन मोर थिंग द फिब्रोइन फाइबर विच इज़ कोटेड विद सेरेसिन इज द रॉ सिल्क. वी कॉल इट रॉ सिल्क. नाउ आई एम गोना टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट सिल्क विच टेल्स यू दैट वाई सिल्क इज सो कॉस्टली एंड वाई सिल्क इज इन डिमांड. फर्स्ट, silk fiber has lower density in comparison to cotton, wool and rayon and has high humidity retaining capacity. Second, it does not appear wet even when it has retained the moisture content 1/3 of its weight. Wow. Third, it has heat resisting capacity more than wool. And fourth, it does not decompose up to 170 degrees Celsius. So that is why silk is so costly and it is in so much demand. And also this is how silk is produced in the silk gland of caterpillar. Yeah, that's it. That's all for this video. Thanks for watching and stay tuned.